आज हम बात करेंगे भारत में जन्मी ब्रिटिश एक्ट्रेस के बारे में जो बॉलीवुड मूवीज में काम करती है। क्या हुआ, चौंक गए क्या? जी हाँ दोस्तों, आलिया भट्ट भारत में जरूर रहती है और बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस में से एक है, लेकिन वो भारत देश की नागरिक नहीं है और जन्म से आज तक आलिया ब्रिटिश की नागरिक है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज हम आपको सबके दिलों की धड़कन आलिया भट्ट से जुड़ी 15 ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद कहीं ना सुनी हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, आलिया का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था। आलिया के दादाजी नाना भाई भट्ट एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे और उनके पापा महेश भट्ट भी नामी डायरेक्टर हैं। उनकी माँ का नाम सोनी रजदान है जो एक एक्ट्रेस हैं और बहुत सी हिट फिल्में दे चुकी हैं। आलिया के पिताजी गुजरात के रहने वाले हैं और उनकी माँ कश्मीरी पंडित है, लेकिन वो ब्रिटिश की नागरिक हैं और यही कारण है कि आलिया के पास भी ब्रिटिश सिटीजनशिप है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। नंबर 2, आलिया भट्ट की एक बड़ी बहन है शहीन भट्ट जो एक राइटर है। आपको बता दें कि शहीन और आलिया महेश भट्ट की दूसरी शादी से हुए बच्चे हैं। पहली शादी से भी उनके 2 बच्चे हैं, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। पूजा भट्ट भी एक्ट्रेस है और काफ़ी मूवीज में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा एक्टर इमरान हाशमी और डायरेक्टर मोहित सूरी भी महेश भट्ट की तरफ से आलिया के कज़न लगते हैं और प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट आलिया के अंकल हैं। नो डाउट कि महेश भट्ट का फैमिली ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 3, आलिया की स्कूलिंग हुई जमुना बाई नर्सी स्कूल मुंबई से, जिसके बाद वो एक्टिंग कोर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने ही वाली थी कि उनके पास उनकी पहली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर आ गई और वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। आलिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बचपन में मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंडेड रहती थी और ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर की बेटी जो थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका बचपन में अपने पापा महेश भट्ट के साथ कोई खास बॉन्ड नहीं था और उनकी माँ सोनी रजदान ने उनको और उनकी बहन को अकेले ही पाला है और उनके पापा ज़्यादा घर नहीं आते थे। नंबर 4, आलिया तब से एक्टर बनने का सपना देख रही है जब वो किंडरगार्टन में थी। क्या आप जानते हैं कि आलिया का एक्टिंग में डेब्यू 1999 में आई मूवी संघर्ष से हो गया था जब वो मात्र 5 साल की थी। उन्होंने प्रीति जिंटा के बचपन का रोल निभाया था, पर उनका रियल डेब्यू एज ए लीड हुआ 2012 में आई करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, जिसमें वो सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के साथ नजर आई। नंबर 5, आलिया की पहली ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सुपरहिट रही और मूवी ने 110 करोड़ रुपए कमाए। आलिया इस मूवी के लिए 500 लड़कियों में से सेलेक्ट हुई थी और सेलेक्ट होने के बाद करण जौहर ने बस एक ही शर्त रखी कि उनको वेट लॉस करना पड़ेगा और आलिया ने अपने डेडिकेशन से 3 महीने में ही 16 किलो वजन घटाया, जो काबिले तारीफ है। आलिया तब सिर्फ 17 साल की थी और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सुपरहिट मूवी देने पर उनके पापा महेश भट्ट ने आलिया का ऑटोग्राफ तक लिया था। नंबर 6, बचपन में गोविंदा की मूवीज देखकर आलिया को लगता था कि एक्टर बनने के लिए डांस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही सम्यक डांस इंस्टीट्यूट से डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। नंबर 7, सिद्धार्थ मल्होत्रा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के शूट से ही आलिया बहुत पसंद थी और मूवी के बाद भी दोनों काफ़ी जगह साथ नजर आए और दोनों के रिलेशनशिप में होने की खबरें भी आई, लेकिन इस बात पर कभी किसी ने हामी नहीं भरी और फिलहाल वो रणबीर कपूर के साथ हैं। इन दोनों की लव स्टोरी जानने के लिए वीडियो को देखते रहें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 8, आलिया ने अपनी पहली सुपरहिट मूवी के बाद धर्मा प्रोडक्शन के साथ और भी हिट मूवीज की, जैसे कि 2014 में 2 स्टेट्स और इसी साल हम्टी शर्मा की धुलनिया, और इन दोनों मूवीज ने मिलकर 300 करोड़ रुपए कमाए। साल 2014 आलिया के लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि इसी साल उनकी एक और मूवी आई इम्तियाज अली की हाईवे, जिसमें वो रणदीप हुड्डा के साथ एक अलग ही रोल में दिखी। ये मूवी कमर्शियली तो फ्लॉप रही, लेकिन आलिया को उनकी एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला,
और इसी मूवी के लिए पहली बार आलिया ने एआर रहमान की असिस्टेंस में अपना पहला गाना भी गाया। और आपको बता दें कि आलिया आज तक 6 गाने गा चुकी हैं और इसमें सबसे ऊपर आता है समझावा। नंबर 9, आलिया को 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है अपनी इन मूवीज के लिए, 2016 की उड़ता पंजाब, 2018 की राजी और 2019 की गली बॉय। गली बॉय ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी आलिया की अभी तक की हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। इसके अलावा आलिया 2014 से अभी तक फॉर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में बरकरार है और 2017 में वो फॉर्ब्स एशिया की 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी आ चुकी है। 2019 में आलिया 60 करोड़ लेकर भारत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। नंबर 10, आलिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही जब शुरुआती करियर में उनका जीके कमज़ोर होने की वजह से मजाक बना और वो मजाक इस लेवल पर पहुंच गया कि आलिया गूगल पर मोस्ट सर्च एक्ट्रेस बन गई। स्टार्टिंग में तो आलिया को इस बात पर गुस्सा आता था लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने खुद का मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी जगह खुद को डफर बोला, जिसके बाद लोगों ने उनका मजाक बनाना छोड़ दिया और आलिया ने इस बात पर सबसे माफ़ी भी मांगी और बोला कि एज एन एक्ट्रेस उनको इंडिया की बेसिक पॉलिटिक्स पता होनी चाहिए थी। नंबर 11, पर्सनल लाइफ की बात करें तो आलिया फिलहाल रणबीर कपूर के साथ है। आपको बता दें कि आलिया को रणबीर 11 साल की उम्र से ही पसंद है, जब वो संजय लीला बंसाली की ब्लैक मूवी के ऑडिशन पर गई थी। उस समय रणबीर संजय सर के असिस्टेंट डायरेक्टर थे और तभी से आलिया को रणबीर पर क्रश हो गया था। लेकिन उसके 14 साल बाद जब दोनों ब्रह्मास्त्र मूवी के सेट पर मिले तो एक नज़र में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। फैंस को इन दोनों के बारे में सोनम कपूर की शादी में पता चला जब दोनों साथ में शादी अटेंड करने आए। आलिया और रणबीर साथ में फैंस को बहुत पसंद है और बस सब दोनों की शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 12, आलिया एक अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन भी हैं। उन्होंने 2014 में जबोंग पर अपनी क्लोथिंग लाइन शुरू की थी। इसके बाद 2018 में उन्होंने वीआईपी इंडस्ट्रीज के साथ अपनी हैंडबैग लाइन भी शुरू करी और 2020 में उन्होंने बच्चों की क्लोथिंग लाइन शुरू की है ईडिया मम्मा, जो इतनी सक्सेसफुल रही कि अभी वो लगभग 200 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। आलिया बहुत से ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी है, जैसे कि कोका कोला, गार्नियर, मेबलिन, फ्लिपकार्ट, फ्रूटी, लेज और मेक माई ट्रिप। नंबर 13, आलिया FD और म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्ट करती ही है, साथ ही वो नायका कंपनी में 5 करोड़ इन्वेस्ट करके लगभग 8,500 शेयर्स ओन करती है। 2021 में उन्होंने IIT कानपुर बेस्ड बिजनेस fool.co में भी इन्वेस्ट किया है। ये सब जानकर ये तो क्लियर है कि आलिया फाइनेंशियली काफ़ी स्मार्ट फैसले ले रही है, जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। इन सब के साथ साथ आलिया अपना YouTube चैनल भी चलाती है और उनकी अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है, इथर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस, जिसके अंडर वो इस साल डार्लिंग मूवी में निकाल रही है। इस मूवी में वो एक्ट तो कर ही रही है और साथ में प्रोड्यूसर भी है। आलिया तुसी ग्रेट हो। नंबर 14, आलिया पीटा की भी मेंबर है, जहां वो होमलेस एनिमल्स को अडॉप्ट करने का प्रचार करती हैं। उन्होंने जानवरों की अवेयरनेस के लिए 2017 में कंपनी भी लॉन्च की थी को एग्जिस्ट। इन सब के अलावा वो अपने वार्डरोब के कपड़े भी नीलाम करती रहती हैं और उससे जो भी पैसे बनते हैं वो गुड कॉज में लगा देती हैं। पिछले साल उनकी इस नीलामी से कर्नाटका के 40 घरों में बिजली पहुंची थी। नंबर 15, 2022 में आलिया की बहुत सी मूवीज आ रही है, जिसमें सबसे ऊपर है सुपर हीरो पर बेस्ड मूवी ब्रह्मास्त्र, साउथ इंडियन सुपर स्टार्स राम चरण और रामा राव जूनियर के साथ RRR, और अभी 25 फरवरी को आ रही है संजय लीला बंसाले की गंगूबाई काठियावाड़ी। इसके अलावा इस साल के आखिर तक या 2023 तक उनकी रणवीर सिंह के साथ करण जौहर की मूवी भी आ सकती है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आपकी आलिया भट्ट की फेवरेट मूवी कौन सी है और क्या आप भी मेरी तरह आलिया की आने वाली मूवी गंगूबाई के लिए एक्साइटेड हैं? अपना जवाब कमेंट पे जरूर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्द ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।